हाय एवरीवन, इसमें हमसे एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जी अजीत अंजुम पकोड़े वाले। ये क्या सीन है भाई? भयंकर ब्रो, पॉलिटिकल मीम्स। और देखते हैं ये क्या है, क्योंकि पकौड़ी वाले कुछ समझ नहीं आई। चलो वीडियो देख लेते हैं। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कीजिएगा उसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एन। राहुल गांधी कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्योंकि जॉर्ज सोरोस जब बोल देता है $1 बिलियन खर्च करेंगे मोदी को हटाने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, और कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्योंकि नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए? और आप जो, अरे एक मिनट, आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। स्पीचलेस कर गया। कंट्रोल। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अगर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी फिर से जीत गए तो मैं पत्रकारिता छोड़कर दिल्ली की बल्ली मारा है, गलत उन्होंने लिखा है, मैं चिकन पकौड़ी की दुकान खोल लूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन ये ट्वीट हर रोज मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर, मैं कुछ भी लिखूं, फूल पौधे की तस्वीर लगाऊं तो, कोई वीडियो डालूं तो, ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। ओहो हो, तो नहीं करना था। कोई बात नहीं। अब जैसे ये भाई साहब ने 31 जनवरी का वही ट्वीट मेरा मेंशन करते हुए किया है, इन्होंने 2 अप्रैल को किया, अभी मान लीजिए 4 दिन पहले। दुकान कब खोलेगा, कोई सूर्यकांत दास है, ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ये कोई देव है, इन्होंने भी वही लिखा, मैं दिल्ली आ रहा हूं, पकौड़ी की दुकान कहां लगाई ये बताना, तू बेरोजगार हो गया, थोड़ा रोजगार दे पाऊंगा। अब उसके बाद कोई राष्ट्रभक्त भाई को गुस्सा आ गया, जो क्या हुआ तेरा वादा, इन्होंने भी लिखा है 6 अप्रैल, ये तो आज का ही ट्वीट, ताजा ट्वीट, इन्होंने भी यही लिखा है। कोई कमलेश वंसल है, दुकान कब खोल रहे हो लिख रहे हैं। कोई पकौड़ी की दुकान बता दो नीतीश भारद्वाज है, इन्होंने भी 5 अप्रैल को लिखा है। मतलब ये जो अभी ट्वीट्स दिखा रहा हूं, कल और आज के ट्वीट्स। उसके बाद तो एक नया आइटम आ जाए, दिखा मुझे। अच्छा। ये नया आइटम ये है कि मैं ट्विटर पर घोषणा करता हूं कि अगर गुजरात में भाजपा सरकार फिर से आ गई तो वापस अपने गिरे जिले बिहार के बेगूसराय चला जाऊंगा और झींगा मछली दे दूंगा। यही तो कयामत है। देखिए, लिबरल बनने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टा बायो में जाकर एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमनिस्ट और फेमिनिस्ट एज फक जैसे शब्द लिखने पड़ेंगे। मतलब मत ढूंढिएगा, लिख दीजिए, मतलब गया तेल लेने। देखिए, पूरे साल 24 घंटे आप दबा के सिगरेट पीजिए, लेकिन आपको अस्थमा से दिवाली के ही समय होना चाहिए। आपके पूजा न करने से आप लिबरल नहीं बनेंगे, दूसरों को भी पूजा मत। बढ़िया था। देखिए, एज अ लिबरल धरती पर आपके लिए बस एक ही जानवर है, कुत्ता। बाकी सारे जानवर जो हैं वो खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए इंस्टाग्राम के बायो में एनिमल लवर लिखना भी मत भूलिएगा। देखिए, लिबरल होने के लिए आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, ट्विटर एकेडमी से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ फेक भी फैक्ट हो जाता है। देखिए, सॉल्यूशंस की आप बात करेंगे तो आप लिबरल कभी नहीं बन पाएंगे, प्रॉब्लम्स ढूंढिए। जैसे यहाँ पे देखिए, कुत्ता यहाँ टट्टी क्यों नहीं कर सकता? बन जाएगा। ये कोई राहुल गांधी को दिखा। ये तो सच में धोती खोल दी। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। If you like our videos, do like, share and comment and subscribe for more. तो जनाब, ये था वीडियो आज का और आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अभी आप इसमें देखें, मैं पहले समझ नहीं पाया था कि यार ये
अजीत अंजुम पकौड़ी वाले, समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि ये एक आप कह लें कि जर्नलिज्म और पॉलिटिकल इश्यूज के रला मिला इशू था। तो अब जब हमने देखा तो एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये किया था कि अगर दोबारा सरकार बनी तो मैं जनाब जर्नलिज्म छोड़ के और मैं पकौड़ियाँ लगाऊंगा, और फिर सरकार तो बन गई, अब सारे उनसे पूछ रहे भाई पकौड़ी कब लगाएगा। तो इसका इस पर इस तरह इतना उधम मचाने के बजाय ये सीधा सीधा एक्सक्यूज़ करता, माफ़ी मांगता, जान छुड़ाता, उस पर जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं ना, उसकी वजह से ज़्यादा फंसता जा रहे। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं ना उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं बनना चाहिए, जब वो जर्नलिस्ट होते हैं तो उन्हें जर्नलिस्ट ही बनना चाहिए जिसका एक ही काम होता है न्यूज़ देना। लेकिन लोग आजकल जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो ये था जी वीडियो, और उसके बाद फिर हमने देखा गांधी साहब को लेके बड़ी बातें हुई, और लास्ट वाला क्लिप तो अखीर ही था, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो मज़ा आया। और लिबरल जो हैं वो आपको पता ही है वो इसी तरह के होते हैं, मतलब खुद जो मर्ज़ी करें ठीक है, कोई और करे तो जनाब नहीं ऐसे हो गया वैसे हो गया फलाना हो गया, तो इनको एक ही जवाब देना चाहिए, निकल पहली फुर्सत में निकल। मज़ा आया, ओवरऑल वीडियो मस्त था, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइज़।